कैसे कैसे जा रहे हैं हम। सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल एंड थैंक्स फॉर ट्यूनिंग बैक टू माय चैनल। यू कैन सेट ऑल द वे बाइक इज सेट। सो टुडे वी आर गोइंग फ्रॉम आगरा टू झांसी। द डिस्टेंस इज नॉट दैट मच, इट्स जस्ट 238 किलोमीटर। इट विल टेक अराउंड 5 hours, सो आई विल कैलकुलेट एज 6.5 hours एक्स्ट्रा। सो दिस इज द होटल आई स्टे। द होटल इज होटल प्लाजा। द ताजमहल इज ओनली 600 फ्रॉम हियर। 6:05 हो चुके हैं फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द टुडेज राइड। ये रहे सुबह सुबह पब्लिक जा रहे हैं टू व्यू द ताजमहल एज इट्स जस्ट 6:06। दिस रोड इज जस्ट लाइक अ प्राइवेट रोड, पब्लिक सुबह वॉकिंग करने के लिए आ जाते हैं। सो दिस इज द मॉल रोड ऑफ आगरा। स्ट्रेट 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 जाना है। अभी तो हमारा रिटर्न की जर्नी स्टार्ट हो गई है। सो आज के राइड में हम इंटर करेंगे एक नए स्टेट में, दैट इज मध्य प्रदेश। सो यूपी से एमपी में जाएंगे, ग्वालियर झांसी के लिए यूपी में जाएंगे। फ्रेंड सूरज भाई आ चुके हैं और इस तरफ है, बहुत प्यारे लग रहे हैं। आज कुछ क्लाउड नहीं, कुछ नहीं है। जस्ट पास द फर्स्ट टोल बूथ ऑफ टुडे जर्नी। और ये रहे सूरज भाई साहब, देख लीजिए आप। यहाँ से ग्वालियर है 74 किलोमीटर्स, इंदौर है 565। दोस्तों ब्यूटी देखो, ब्यूटी पूरा कोहरा कोहरा हो गया वापस। सूरज भाई साहब एकदम धुंधले धुंधले हो गए। वाह यार, ये माउंटेन कुछ अलग ही यार। एक ऐसे ऐसे ऊपर फिर ऊपर ग्रीन बारिश गिरा तो ग्रीन ग्रीन लेयर आ गया उसके ऊपर। नाम नहीं दिया है नदी का, क्या ब्यूटीफुल है यार। दोनों तरफ से मस्त कवर करके दिया है। फॉर व्हाट, एक्सीडेंट सबके नीचे ना जाए, आदमी कोई खुदकुशी ना करे। बॉस वहाँ पे बारिश गिर रही है, आई कैन क्लियरली सी। कोहरा कोहरा बॉस, कुछ ना ही दिक्कत है वहाँ। वाह यार, क्या है यार, कोहरे में जा रहे हैं और कुछ नहीं दिख रहा है बॉस यहाँ पर। लग रहा है मुझे लोनावला में घूम रहा हूँ। अभी ये साइन बोर्ड है, कैसे पता चलेगा हमको कहाँ लिखा है उसके ऊपर। नजारा देखिए भाई, ये नजारा देखिए, क्या गजब है यार, गजब। कहाँ है ये, मीटिंग चालू है। दो दो के ग्रुप में बैठी थी सब। तो यहाँ पे होने वाली है ऑफ रोडिंग। और क्या धूल उड़ा रहे यार ये लोग, शिट। जाए या ना ही जाए, प्रॉब्लम है कि बीच में खड्डा और एक साइड बैलेंस गया तो डायरेक्ट व्हील के नीचे। एंड आई हैव पिलियन, सो आई डोंट वांट टू टेक अ रिस्क। उसी के पीछे जाते हैं। सो ग्वालियर इज 29 और टाइम हुआ है एग्जैक्टली 7:30। सो फ्रेंड्स, जस्ट टू के ब्रेक हियर ऑफ 10 to 15 minutes। इंदौर इज 514 एंड मुंबई इज 1117। मुंबई पहुंचने को तो हमको अभी भी 3 दिन है। तो यहाँ आगे से हम लेंगे लेफ्ट, ग्वालियर बाईपास, झांसी का बोर्ड विच इज 136 किलोमीटर। वो रोड अंदर की तरफ गया टू ग्वालियर सिटी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ तो पंगा हुआ है, सब लोग यू टर्न मार रहे हैं। क्या हुआ है भाई, क्या हुआ है? हाँ बारे बात तो सब आगे आगे जा रहे। तू क्या हुआ है, खड़ा है गाड़ी अपने के लिए। क्या खड़ा है, आरटीओ खड़ा है, तो जाने क्यों नहीं दे रहा है? क्यों ऐसे रुका के रखता है ये, क्यों ऐसे रुका के रखते हैं? पैसा नहीं को क्या बोलेगा, क्या करे भाई, ये तो पूरा जाम है, बहुत टाइम जाएगा लगता है यहाँ पे। सुना ना आपने क्या हुआ, आरटीओ पैसे कमाने के लिए ये सब करता है। हाँ आप बाप जो हो जाओ, जो प्लग के नीचे और बालंग और बाजार में रुकड़ जाओ सिटी में, क्योंकि ये इधर तक है, बहुत दूर तक है। दूर तक है अभी तक। आगे एक सिटी है, क्या रास्ता है? हाँ। क्या नाम आएगा, बालंगपुर नहीं, ग्वालियर
ग्वालियर में जाऊँ वापस? ग्वालियर तो लगी ग्वालियर। चलो वैसा ही करना पड़ेगा। तभी मैं बोलूँ पब्लिक उल्टे अपोजिट लाइन से क्यों आ रहे थे यार। शिट, सॉरी फ्रेंड्स, रूल तोड़ना पड़ेगा मुझे। यहाँ से वो साइड जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। ओ भाई आगे लो, जाम है पूरा पूरा जाम है। सो फ्रेंड्स, व्हाट वी हैव डिसाइडेड टू गो अपोजिट साइड। क्या करें, क्योंकि ग्वालियर के अंदर का रोड बहुत दूर है बॉस यहाँ से, और अंदर सिटी में बहुत ट्रैफिक मिलेगा, बहुत सारी गाड़ियाँ उल्टी जा रही है। सो वी जस्ट थॉट हम लोग भी एक बार अटेम्प्ट करके तो देखते हैं क्या होता है। सॉरी दोस्तों, अपोजिट लाइन से जा रहा हूँ, बट क्या ऑप्शन नहीं मेरे पास यार। पूरा ये लाइन भी जाम कर दिया लगता है लोग ने। तो उसको पूछा, वो बोलता है कुछ आरटीओ चेक नहीं, कुछ नहीं है, वो गाड़ी वालों ने पूरा जाम करके रखा है। यहाँ से रास्ता है कि नहीं? क्या यार, इधर आगे तो पीछे तो पूरा खाली लग रहा है मुझे। आ जाओ सर, अननेसेसरी जाम करके रखते हैं ट्रक वाले। जाम लगा जी, बहुत जाम है आगे। कुछ का है जाम? कुछ नहीं है, ये ट्रक वालों ने लगा के रखा है। फालतू में चालू करके रखा है। सर जी थोड़ा आगे ले लोगे? सर जी आपका है, थोड़ा ले लो ना उधर। मैं, मेरे को इधर पीछे जाना है। नहीं, ये यहाँ पे, ये थोड़ा वो साइड लोगे? हाँ सर, निकल इधर लीजिए पीछे, वो भी थोड़ा करेगा ना सर। सर वो साइड ले लो सर, तो उनको भी निकल जाएंगे सर। थोड़ी से आगे आ जाएगी तो निकल जाएगी। पीछे कुछ नहीं है, इसके पीछे कुछ नहीं, इसके लिए बोल रहा हूँ। वो साइड दबाओ सर, दबाओ थोड़े वो साइड, थोड़ा और। यार मार के रख दिए मेरी, पूरा हाईवे जाम करके रखा है लोग ने यार, अननेसेसरी। कैसे कैसे जा रहे हैं हम। लकीली पैनियन बिनियन नहीं है, पैनियंस रहते तो और तकलीफ हो जाती थी। शिट, भाई दरवाजा तो बंद कर ले, ये तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है भाई। थोड़ा जाएगा पीछे सर, तो ले रहा है। पूरा अननेसेसरी जाम कर रखा है, कुछ एक्सीडेंट नहीं हुआ है, कुछ नहीं, ऐसे ट्रक डाल के बैठे हैं लोग बस। कोई नहीं है वो साइड का जाम, इसलिए तुम्हें ये साइड से आया। कोई पुलिस वाला नहीं, कोई नहीं, ऐसे रखने वाले सब ऐसे पार्क करके बैठे हैं, कुछ नहीं हुआ है। आ जाओ आ जाओ, मेरे को आने 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 आ जाओ। अच्छा भाई रुक, वाइफ उतर गई पीछे, उसकी रेट करता हूँ और मिलता हूँ आपको आगे। फ्रेंड्स अब हम आ गए हमारे एक्चुअल रोड पे। बाप रे, इट विल बी अराउंड मोर देन 25 किलोमीटर लॉन्ग जाम। आप लोगों ने तो सभी देख ली हालत, क्या यार। आई थिंक अच्छी डिसीजन थी रॉन्ग साइड पे आने की। अरे धूल मिट्टी मत उड़ाओ सर। अरे यार ये रोड तो पूरा छूतिया पाओ गया है यार। शिट मैन, आगे भी देखियो रोड की हालत।
ये पास मोर देन 25 किलोमीटर से ऐसे ही डाइवर्जन कर करके आ रहा हूँ यार। शिट, उससे अच्छे वालेर से जाता था और यहाँ पे स्लिप हो गई तो गया मैं। फक मैन, ये टायर जरा भी से भी ग्रिप नहीं देते यार। ये तो हमारा लद्दाख हो गया यार, पीछे का टायर कुछ ग्रिप ही नहीं मिलती है। फक ये कितना है यार अभी तक। शिट फ्रेंड, मिलता आपको बाद में, मेरे लगने वाले यहाँ पे। 2000 years later. अरे फ्रेंड्स, वहाँ पे हालत देखिए यार, गाड़ी जा ही नहीं सकती, पूरी वाट लग गई है यार। शिट, ये रोड ट्राई करें मगर यहाँ पे हालत देखिए रोड की। चलो ट्राई करते हैं, फेयरिंग को ना लग जाए यार, वही डर है मुझे। स्लश की वजह से टायर अभी भी स्लिप हो रहा है यार। शिट यार, आगे भी यहाँ पे हालत खराब है। फक हाँ, वो बाजू का फेयरिंग है ना, वो टेंशन है, वो देखता हूँ, नहीं डालूं। हाँ नहीं नहीं नहीं, पॉसिबल ही नहीं बॉस। सो फ्रेंड्स, ओह शिट मैन, क्या स्लीप हो रही है यार। फक, इतना हेवी लगेज है, तो वापस मैं जा रहा हूँ उल्टा यार। फ्रेंड्स, ये डिसीजन है बिकॉज मैं उज्जैन वगैरह सब नहीं जा रहा हूँ, एमपी में वाट लग चुकी है बिकॉज ऑफ रेंस। मेरे को वही समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए स्प्लेंडर येलो के टायर इजीली चढ़ जाते हैं, और ये मिशेलिन स्पोर्ट्स पायलट रेस ट्रैक के टायर लेके मैं डालूँ मैं, इसीलिए ऑफ रोड के टायर ही अच्छे हैं यार। फक, इधर मेरे लगने वाले हैं। बस थोड़ा सा पैच सागर, बस थोड़ा सा पैच, बंद है, पूरा बंद है। हाँ, पूरा पानी जमा हुआ, इतना गाड़ियाँ नहीं जा रही, ट्रक ट्रक वाले ने भी घुमा लिया। आगे बोल रहा है कुछ 8 किलोमीटर उल्टा जाके ग्वालियर से जाना पड़ेगा। हाँ, इधर ये ब्रिज का काम चालू है ना, तो नीचे से जाता है, तो नीचे पूरा पानी भरा हुआ है। मड़ी 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 लग गई यार पूरी। शिट मैन, मेरी हालत देखो, ये ब्रिज का काम चल रहा है, दैट्स व्हाई इतना पूरी तकलीफ हो रही है। यहाँ पे गए, लेट मी जूम इट, वहाँ पे कितना पानी है, गाड़ी जा ही नहीं रही, अपोजिट साइड वाली भी रुकी है, ये सब गाड़ी आ गई वापस, क्या कर रही है गवर्नमेंट वाले। अंदर वाला रोड की हालत देखी, वहाँ पे ब्रिज का काम चल, वहाँ पे कैसे इतने क्लाइंब करके जाना पड़ रहा है, बहुत घटिया है ये सब। सो फ्रेंड्स, हम वापस उल्टे जा रहे हैं, 9 किलोमीटर उल्टा जाना है, फिर उसके अंदर कोई रोड मिलेगा जो डायरेक्टली थ्रू ग्वालियर से लेके जाएगा यार। दिस इज द सेकेंड अटेम्प्ट, ये लोग मुझे हमें ट्राई करें कि ग्वालियर के अंदर से ही जाए। फेयरिंग वाली गाड़ी ऐसे स्लश में चलने का बहुत डर लगता है यार, बहुत डर लगता है। नेकेड बाइट रही थी ना, तो कैसे भी खाड़ खाड़ करके लेके जाते थे, स्लिप तो स्लिप, गिरी तो गिरी, टेंशन नहीं, ये सब नहीं यार, मन ही नहीं होता है सब ऐसी जगह पे बाइक डालने को। सो फ्रेंड्स, वो सब ट्रक यहाँ पे आ गया और ये पूरा यहाँ पे जाम हो गया यार, क्या हो रहा है मेरे साथ आज यार। अभी रोड जाम था इसलिए हम अंदर के रोड की तरफ से जा रहे हैं, मगर अभी तक गूगल नहीं लगा है, ये भाई साहब हमको बता रहे हैं
लेके जाते हैं हाईवे की तरफ, वो भी उधर ही जा रहा है, लेट सी क्या होता है। तो ये हम लगे हाईवे अगेन रॉन्ग साइड, सॉरी फ्रेंड्स, क्या करें, लेट सी आगे क्या हालत है। फ्रेंड लुक एट दिस, व्हाट द फक इज हैपन, क्या हेवी ट्रक्स रहते रहे इनके, ये पूरा ऑयल गिरा है, स्लिपरी थिंग, बी केयरफुल। सो वी ऑलरेडी एंटर द झांसी और होटल इज जस्ट 6 किलोमीटर राइड, 70 कर दो, 670। क्या मेला भरा है यहाँ, चलो मेला छूट गया, मेला छूट गया, चलो 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 मेला लग गया। सामने ट्रैफिक हुआ, देखो कितना है। फ्रेंड्स ये रहा हमारा होटल, होटल सनराइज, यहाँ पे हम सामान खाली करते हैं एंड देन वी विल पार्क इनसाइड बेसमेंट। सो फ्रेंड्स ये रहा अपना रूम, बाइकर्स मेस, मोस्ट नीडेड एसी, बॉस बहुत गर्मी झांसी में, टीवी और ये कबर्ड्स एंड ये बाथरूम, दैट्स इट। सो फ्रेंड्स आज तक की थकी हुई जर्नी का व्लॉग यहीं तक रखते हैं, इसको यहीं पे ख़त्म कर देता हूँ। आज बहुत प्रॉब्लम फेस किया राइड में, इतने प्रॉब्लम अभी तक की इस राइड में कभी फेस नहीं हुए थे, आपने तो सभी देख लिया, क्या करें, होता है राइडर्स लाइफ, ऐसे प्रॉब्लम नहीं फेस करोगे तो और स्ट्रॉन्ग कैसे हो, ऐसे सिचुएशन से ही राह भी निकालना हर एक राइडर का काम होता है। सो इट्स ओके, सो आई विल क्लोज दिस व्लॉग हियर। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको तो पता ही यार क्या करना है, घड़ी घड़ी क्या बताऊँ। अगर ये व्लॉग देखा आपने और आगे के व्लॉग भी सब आपको देखने हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है ये भी आपको पता है, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं। सो दिस इज सागर साइनिंग ऑफ, बाय बाय, ऑलवेज वेयर हेलमेट, राइड हार्ड, राइड सेफ। देखिए ट्रक वाले भी उल्टा मार के चले जा रहे हैं वापस, ऑप्शन ही नहीं उधर जाने के लिए यार।